Dear students, assalamu alaikum. Ab tak ke sessions mein humne chart of account aur usme banne wale accounts ke bare mein padha hai. Sabse ahem cheez isme ye thi ke jo accounts default mein QuickBooks hame deta hai, hum unhe change bhi kar sakte hain, usme izafa bhi kar sakte hain aur delete bhi kar sakte hain. Aur jaise ke aapne pichle sessions mein dekha ke humne नया अकाउंट क्रिएट किया, बाज अकाउंट को हमने मर्ज किया और ऐसे अकाउंट जिसमें कोई ट्रांजैक्शंस ना हुई हों उनको हमने डिलीट किया और ट्रांजैक्शंस वाले अकाउंट को हमने इनएक्टिवेट कर दिया. आज का टॉपिक है सब अकाउंट्स. सब अकाउंट्स क्या होते हैं? यकीनन अकाउंट्स में एक निचले लेवल पे अकाउंट खोला जा सकता है जिसे हम कहते हैं सब अकाउंट. इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? पेरेंट अकाउंट की क्या ज़रूरत है? आइए आज के सेशन में हम इसके ऊपर रोशनी डालते हैं और देखते हैं कि हम क्विक बुक्स में ये काम किस तरीके से कर सकते हैं. याद रहे कि हमारा मेन अकाउंट हमेशा वो अकाउंट होगा, पेरेंट अकाउंट, जिसमें तमाम सब अकाउंट्स की टोटल एड अप होके सम होके आया करेंगे. लेकिन फॉर क्लियरिटी एंड डिटेल व्हाट वी नीड sometimes are accounts which are connected to their parents. Let's take an example from the chart of accounts available in QuickBooks. Okay, now let's have a look at our chart of accounts. As you can see, those accounts that we created in our last sessions in the income bracket or category are still over here. Income from building, construction income and income from rental equipment. लेकिन हमारे पास ऐसे भी अकाउंट होते हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें उन्हें फर्दर ब्रेक डाउन करना पड़ता है. ये अकाउंट्स की सबसे आसान मिसाल जो क्विक बुक्स में पहले ही से मौजूद है, क्विक बुक्स जब भी आप इंस्टॉल करेंगे और डिफॉल्ट कंपनी देंगे तो आपका पेरेंट अकाउंट है, इन दिस केस 633300, दैट इज इंश्योरेंस एक्सपेंस. इंश्योरेंस एक्सपेंस एक ब्रॉड हेड है और इसके अंडर आप चाहें तो इसके साथ साथ भी खोल सकते थे, लेकिन इन दैट केस देयर वुड हैव बीन अ नंबर ऑफ इंश्योरेंस एक्सपेंस हेड्स. लॉजिकली ये बाकी तमाम तीन हेड्स शुड कम अंडर द मेन जनरल इंश्योरेंस एक्सपेंस हेड. अब ये तीन टाइप्स की इंश्योरेंसेस हैं विच हैव बीन ओपन्ड अंडर द मेन हेड एंड दीज सब हेड्स और सब अकाउंट्स आर जनरल लाइबिलिटी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, life and disability insurance. There can be many other insurances associated especially with a construction company, right? That is equipment insurance and other insurances as well. Lekin agar hum sare ye expense mein kholte chale jaye to kabhi hame ye pata nahi chalega ki insurance ke head mein hame kitna premium jama karana pad raha hai. So the best bet is to have a sub account for all these insurance heads. Jab bhi hum dekhna chahenge hame nazar bhi aa jayenge ki hamare paas इन इंश्योरेंस में हमने क्या प्रीमियम जमा कराया हुआ है, और जब हम कोई भी रिपोर्ट देखना चाहेंगे तो हमारे पास टोटल इंश्योरेंस का एक फिगर नज़र आ जाएगी. इसी तरह से इफ़ यू गो डाउन द लाइन यू विल सी अनदर हेड कॉल्ड द यूटिलिटीज हेड 686000. अब 686000 यूटिलिटीज़ क्या चीज़ हैं? यूटिलिटीज़ वो चीज़ें हैं जो हम लोग कंस्ट्रक्शन में भी, बिल्डिंग में भी, ऑफिस में भी मुसलसल इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पे बिजली, गैस, पानी, टेलीफोन, ये तमाम वो सहूलतें हैं जो हमारे दफ्तरों में और हमारी साइट पे मौजूद होती हैं और इसका हम बिल देते हैं. ब्रॉडली स्पीकिंग दे ऑल कम अंडर द हेड यूटिलिटीज़. हम चाहें तो इन तमाम के अलग अलग हेड बना लें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारा सबसे ज़्यादा ख़र्चा यूटिलिटीज़ हेड में इकट्ठा क्या हो रहा है, बिजली, पानी, गैस का. सो व्हाट वी कैन डू इज ओपन दीज अकाउंट्स अंडर द हेड यूटिलिटीज. हाउ कैन वी डू दैट? सिंपली बाय राइट क्लिकिंग ऑन द यूटिलिटीज अकाउंट. यू कैन एडिट एन अकाउंट और यू कैन गो डाउन एंड देन एडिट द अकाउंट. इन बोथ केसेस यू विल कम अप विद द सेम अकाउंट नेम. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we are going to add a sub account to this head utilities. It could be
And this is going to be a sub account of the main account, that is 6860. And this would be numbered as 68610. Now that we have defined this account name as a sub account of utilities, it should appear under the parent head. Let's see. Now you can see that a sub account has been created under the head utilities. Utility was numbered 68600 and electricity is now numbered 68610. Aur ye appear kaise hota hai? This appears indented under the parent head. Similarly, we can add other new accounts like gas, which is going to be a sub account of, you only have to write UL utilities will appear, 68620, save and close, and a final one related to water expense. Sub account of. Now we have these three sub accounts under the parent account utilities. And you can see why we created all these three accounts. Kyun banaye the humne? Taake hamare utilities head ke andar jin jin type ki utilities ke liye hum payment jama karate hain, jo expenses hote hain, wo ek jagah record karaye jaye. Hum main chart of account ko bahut zyada nahi phailana chahte. हम चाहते हैं कि सब अकाउंट से उनको कंट्रोल किया जा सके. एक टाइप के एक्सपेंसेस, एक टाइप के एक्सपेंस हेड्स उसके सब अकाउंट में आ जाए, जो कि एक डिटेल वैल्यूज और डिटेल ट्रांजैक्शंस आपको शो करेगा. जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं, हम रिपोर्टिंग अपर लेवल पे करते हैं कि आपकी मेन रिपोर्ट्स जो बनेंगी वो उसमें एक ही वैल्यू यूटिलिटीज की आएगी. लेकिन जब भी कोई डिटेल देखना चाहेगा तो उसके पास उसकी तमाम डिटेल्स मौजूद होंगी. जिस तरह से हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस के अंडर ये तीन हेड्स दिखाए थे, इसी तरह हमने यूटिलिटीज के अंदर ये तीन हेड्स क्लियरली दिखाए हैं. इससे क्या होता है, इससे आपकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा सही, ज़्यादा डिटेल्ड और कंसाइज समराइज्ड फॉर्म में हर वक्त आपको मैसर आती है. ये तमाम प्रोविजन ऑटोमेटिकली क्विक बुक्स आपको देता है ताकि आप अपने अकाउंट्स को जितना डिटेल्ड चाहें रख सकते हैं. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कोऑर्डिनेट ऑल दीज चार्ट ऑफ अकाउंट्स विद आवर मेन बिजनेस एंड हाउ डू वी हैंडल दीज चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऑटोमेटिकली, हाउ वी लेट द क्विक बुक्स हैंडल ऑल दीज चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड फॉर्मूलाज बाय इटसेल्फ व्हेन वी गो इनटू आवर कस्टमर्स, सेल्स, vendors and inventory systems. Thank you so much. That's all for today.